अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज की क्लास में हम देखेंगे कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ये मॉडर्न फोटोशॉप का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। ये आगे आप ज़िंदगी में कभी फ़ोटोशॉप पे ही काम करना आपको तो इसको सही से समझ लीजिए, क्योंकि ये एक तो बहुत टेक्निकल सी चीज़ है, सही, और आपका काम ये बहुत आसान कर देता है, एक आपके पास डायनामिक लिंक्स जनरेट कर देता है। सो चलते हैं सॉफ्टवेयर पे, देखते हैं कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और ये हम क्यों यूज़ करते हैं। स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो नॉन एडिटेबल होते हैं अपने सेम कैनवस पे। सही, इसको ऐसे समझें कि ये इनको आप अपने जिस कैनवस पे रखे होंगे ये उस कैनवस पे एडिट नहीं हो सकते। एडिटेबल होते हैं, बिल्कुल एडिटेबल होते हैं, लेकिन आप इसको इनके अपने कैनवस पे एडिट नहीं कर सकते। इसको एडिट करने के लिए आपको दूसरे कैनवस पे ले जाना उसको पड़ता है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स हम इसको कहते हैं, बट बेसिकली इसको समझें कि ये एक तरह की लेयर्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा स्मार्टली वर्क करती हैं। ये फ़ोटोशॉप में जो है ये फ़ीचर बहुत बाद में ऐड किया गया है। अगर आप बहुत पुराने फ़ोटोशॉप यूज़ करेंगे तो उसमें ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स वाला फ़ीचर आपको नहीं मिलेगा। सो स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स की पहचान क्या होती है, आप कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सी लेयर जो है वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सी लेयर स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। सो आप जब भी कोई पिक्चर को प्लेस करते हैं, यहाँ से मैं फाइल से जाता हूँ और मैंने यहाँ से प्लेस एम्बेडेड कर लिया। सो ये मेरे पास एक पिक्चर आ गई और मैं इसको इंटरप्रेस करके प्लेस करवा देता हूँ। जब भी आप कोई पिक्चर प्लेस करते हैं तो वो हमेशा स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन के आती है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा पिक्चर ही प्लेस करनी है तो ही आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट जो है वो उससे काम कर सकते हैं। स्मार्ट ऑब्जेक्ट आप फोटोशॉप में कोई नॉर्मल लेयर हो उसको भी आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट की पहचान ही होती है, आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स को कैसे पहचान सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर आपको एक छोटा सा मार्क बना हुआ नज़र आ रहा है, ये मार्क जो है ये पहचान है स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अगर किसी भी लेयर पे ऐसा मार्क बना हुआ आपको नज़र आता है तो इसका मतलब है कि ये एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। अगर ये मार्क नज़र नहीं आ रहा, जैसे मेरे पास, मैं इस लेयर को बंद कर देता हूँ या मैं डिलीट कर देता हूँ उस लेयर को, तो मेरे पास सपोज़ ये लिखा हुआ स्मार्ट ऑब्जेक्ट या ये लिखा हुआ नॉन एडिटेबल लेयर्स ऑन सेम कैनवस, तो मैं इस पर राइट क्लिक करके इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट भी बना सकता हूँ, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ से आप कर सकते हैं, या आप लेयर में जाके यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स, और यहाँ से कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप फिल्टर में जाके भी यहाँ से कन्वर्ट टू स्मार्ट फिल्टर्स पे क्लिक करेंगे तो स्मार्ट फिल्टर्स जो है हमेशा स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स पे ही लग सकते हैं, तो ये उसको भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना देगा। सो मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले किसी भी लेयर को स्मार्ट लेयर आपको मैं बना के दिखाता हूँ। तो देखें, ये मेरे पास एक ग्रुप है जिस पर ये मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको मैं याद रखने के लिए कैसे कर देता हूँ, नॉन एडिटेबल, ठीक है। सो ये जो नॉन एडिटेबल वाला जो टेक्स्ट है ये अलग लेयर पे है, और स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाला जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो एक अलग लेयर पे मौजूद है, ठीक है। सो मैं सबसे पहले इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और शिफ्ट प्रेस करके इस स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाली लेयर को मैंने सिलेक्ट कर लिया। जब इन दोनों लेयर्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया तो मैं राइट क्लिक करके इसको कर देता हूँ कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। जैसे ही हम इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये एक लेयर पे चले जाएंगे, और देखें यहाँ पर ये मार्क बना हुआ नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन चुके हैं। ये जो लेयर थी, या वो जो ग्रुप और एक लेयर टेक्स्ट वाली थी, वो मैंने मिला के एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना दिया। स्मार्ट ऑब्जेक्ट के क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। सो इस तरह से ये प्रोसीजर होता है स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाने का, तो इस तरह से आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास दो पिक्चर्स मौजूद हैं, सेम ही पिक्चर्स हैं, एक को मैं बना दूंगा रेस्टर लेयर और एक है मेरे पास स्मार्ट ऑब्जेक्ट। सही, मैंने आपको स्मार्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बताया, ये भी लेयर्स होती हैं, बस इसका नाम फोटोशॉप में स्मार्ट ऑब्जेक्ट दिया गया है तो हम इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, या आप इसको स्मार्ट लेयर्स भी कह सकते हैं। सो मेरे पास एक ये लेयर है जो ये वाली है, लेकिन इसमें अभी देखें आपको स्मार्ट ऑब्जेक्ट का मार्क बना हुआ नज़र आ रहा है। सो मैं इस पे इसके नाम पे जाके राइट क्लिक करता हूँ, और राइट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से इसको कन्वर्ट कर देता हूँ इनटू रेस्टराइज लेयर। अगर आपको किसी लेयर की, किसी स्मार्ट लेयर की स्मार्टनेस को ख़त्म करना है तो आप इसको जाके रेस्टराइज कर सकते हैं। सो मैं यहाँ से जाके इसको रेस्टराइज कर देता हूँ, तो अब इसकी जो स्मार्टनेस थी वो ख़त्म हो गई, मतलब ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है लेकिन ये एक नॉर्मल रेस्टर लेयर है, जैसे आप ब्रश से फोटोशॉप में पेंट कर देते हैं, समझ लें ऐसी ही एक लेयर है। तो ये नॉर्मल लेयर है, ये स्मार्ट लेयर, ओके। सो अब हम इसमें थोड़ा कंपैरिजन देखते हैं कि एक नॉर्मल पिक्सल वाली लेयर में और एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाली लेयर में क्या डिफरेंसेस होता है।
तो सबसे पहला डिफरेंस होता है कि ये नॉन एडिटेबल होती है। नॉन एडिटेबल का मतलब ये होता है कि मैंने इसको सिलेक्ट किया, इस लेयर पे मैं अभी मौजूद हूँ, यहाँ से मैं लेयर हाइड करके आपको दिखा देता हूँ, इन दोनों इस लेयर पे मैं अभी मौजूद हूँ, और मैं यहाँ से इरेज़र सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैंने इरेज़र चूज किया और इरेज़र से मैं इसको इरेज़ कर रहा हूँ, तो देखें इरेज़ हो रहा है, मतलब कि मैं इस लेयर को एडिट कर सकता हूँ। इसके ऊपर मैं ब्रश सेलेक्ट करता हूँ, इसको इसके ऊपर मैं ब्रश से भी पेंट कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने ये पिंक कलर का ब्रश लिया और उसके ऊपर मैंने पेंट कर दिया, तो इस लेयर पे, ठीक उसी लेयर पे मैं काम कर रहा हूँ, इस पे ये एडिट हो सकता है। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो नॉन एडिटेबल होते हैं अपनी सेम लेयर पे, तो मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाली लेयर पे जाता हूँ, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाली लेयर है, अब मैं इसके ऊपर पेंट करना चाहता हूँ, देखें नहीं कर रहा है। आप कुछ भी एडिट करना चाहते हैं, अगर आपके पास वो स्मार्ट लेयर है, जैसे हमने लास्ट क्लासेस में डॉज एंड बर्न टूल पढ़ा था, तो अगर आप कुछ डॉज या बर्न भी करना चाहते हैं, तो देखें आपकी जो रेस्टर वाली लेयर है वो बर्न हो सकती है। सही, मैं यहाँ से जाके अगर इसको हाईलाइट्स में कन्वर्ट कर दूँ, देखें ये बर्न हो सकती है, लेकिन जब आप स्मार्ट लेयर पे जाएंगे तो वो बर्न नहीं हो सकती। या कोई भी काम जो आप फोटोशॉप में एडिट कर सकते हो वो आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे डायरेक्टली नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी रेस्टर लेयर जो होती है उस पे आप वो काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है दोनों में डिफरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में। ट्रांसफॉर्मेशन में फ़र्क क्या होता है, देखिए मैं रेस्टर लेयर पे जाता हूँ और मैं कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ, मैंने इस पर राइट क्लिक किया और इसमें मैं कोई ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करता हूँ। सपोज़ मैंने इसको पर्सपेक्टिव व्यू में रख दिया इस तरह से, और राइट क्लिक करके मैं स्केलिंग कर देता हूँ, कुछ इस तरह से कर दिया, राइट क्लिक करके मैंने इसको डिस्टॉर्ट कर लिया, और एक मैं यहाँ पर या सिंपल मैं पर्सपेक्टिव ही कर लेता हूँ, तो मैंने इसको पर्सपेक्टिव करके कुछ ऐसे रख, ठीक हो गया। मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, स्मार्ट ऑब्जेक्ट को भी मैं कंट्रोल टी प्रेस करके ट्रांसफॉर्म करता हूँ, स्केलिंग की मैंने, इसका साइज़ यहाँ से डिक्रीज कर दिया और राइट क्लिक करके इसको भी पर्सपेक्टिव कर दिया, एंड पर्सपेक्टिव करने के बाद मैंने उसको भी कुछ उस जैसा ही बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने दोनों पे ही अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मेशन में दोनों में फ़र्क क्या है, देखिए मैंने दोनों में ट्रांसफॉर्मेशन की और मैंने जो है वो अप्लाई कर दिया इंटरप्रेस करके। अब जब मैं रेस्टर की बजाय मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे पहले जाता हूँ, तो देखें जहाँ पर आपने वो पॉइंट छोड़े थे उसी जगह पे आपको वो पॉइंट मिल रहे हैं, मतलब मैं राइट क्लिक करके पर्सपेक्टिव को वापस से चेंज कर लेता हूँ और स्केल से मैं वापस से इंक्रीज कर लेता हूँ साइज़ को, तो मुझे पिक्चर वैसी ही मिल सकती है बहुत आसानी से। देखें मैं इसको वापस ला सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं अगर रेस्टर लेयर पे जाता हूँ, मैं इस रेस्टर लेयर पे गया, अब मैं अगर इसे ट्रांसफॉर्म करता हूँ कंट्रोल टी, तो देखें इसका जो बॉक्स है वो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही आ रहा है, ठीक है। अब इसके वो जो चार पॉइंट्स उसके पास आ रहे थे, मैं आपको याद दिला देता हूँ, देखें कंट्रोल जेड 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 प्रेस किया, अब मैं इस वाले पे कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ, इसके पॉइंट्स इस तरह से आ रहे हैं जैसे आपकी इमेज है, उसके जो चार कॉर्नर्स थे उसके चार पॉइंट्स वहाँ पर ही मौजूद हैं, लेकिन इसने अपनी वो इन्फॉर्मेशन खो दी है, वो चार पॉइंट्स के कॉर्नर पर रखे हुए आपको नज़र आ रहे हैं। सो ये होता है दूसरा डिफरेंस। इसको आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट को आप बहुत आसानी से एडिट कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, लेकिन जो आपका रेस्टर ऑब्जेक्ट है उसको आप ठीक नहीं कर सकते, या कर भी सकते होंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और जब करेंगे तो क्या मसला आता है, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स अपनी जो पिक्सल्स की इंफॉर्मेशन है वो खोता नहीं है, और जो रेस्टर लेयर होती है वो अपने पिक्सल्स की इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय कर देती है। एग्जाम्पल कंट्रोल टी प्रेस किया मैंने इस तस्वीर को, देखा मैंने इसका साइज़ जाके छोटा कर दिया, सही बहुत छोटा कर दिया, इंटरप्रेस कर दिया, और उतना ही मैंने कंट्रोल टी प्रेस किया और स्मार्ट ऑब्जेक्ट का साइज़ मैंने यहाँ से कम किया, और स्मार्ट ऑब्जेक्ट का साइज़ कम करने के बाद मैंने इसको भी इंटरप्रेस कर दिया, ठीक है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाली मुझे उससे ज़्यादा छोटी लग रही है, लेकिन फ़र्क देखें, मैं रेस्टर लेयर पे जाता हूँ कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ, और मैं वापस जब इसके पिक्सल देख रहा हूँ, ये पिक्चर पिक्सलेट हो चुकी है, इसके जो पिक्सल इन्फॉर्मेशन थी वो उसने छोड़ दी। फोटोशॉप ने समझा कि अब यूज़र को जो तस्वीर थी उसको छोटी तस्वीर की ज़रूरत है, तो उसने उसके जो पिक्सल इन्फॉर्मेशन और जो शार्पनेस थी वो सब ख़त्म कर दिया, और आपको वापस जब आपने पिक्चर बड़ी की तो एक बार पिक्सल जब कम हो जाते हैं तो फिर वो वापस नहीं देता फोटोशॉप आपको। इसी के मुकाबले में अगर मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट को यही काम करके वापस लाता हूँ, तो देखें स्मार्ट ऑब्जेक्ट आपका वैसे ही शार्प है, जैसे पिक्सल्स आपने दिए थे वो वैसे ही रहेंगे जैसे आपने छोड़े थे। सो ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है आपके फ़ोटोशॉप में। चौथा डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ, रेस्टर लेयर में मैं जाता हूँ और मैं यहाँ से जाके फिल्टर, चौथा डिफरेंस जो होता है वो होता है इफ़ेक्ट्स लगाने में। इफ़ेक्ट्स लगाने में क्या होता है,
कि सपोज मैंने ये रेस्टर वाली लेयर सेलेक्ट की और मैं फिल्टर में जाके ब्लर, एक कॉमन सा मैं इफेक्ट लगा रहा हूँ, गाउशन ब्लर मैंने इस पर लगा दिया और मैंने इसको ब्लर ही कर दिया बहुत ज़्यादा, और उतना ही ब्लर मैं इस स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाली लेयर पे ही भी जाके फिल्टर में गया और यहाँ गाउशन ब्लर का ऑप्शन दिया हुआ है और सेम ब्लर मैं इसके ऊपर भी अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, दोनों में सेम तक पिक्चर्स लग रही हैं, लेकिन स्मार्ट ऑब्जेक्ट में अगर आप यहाँ गौर करें तो यहाँ पे अलग से एक लेयर ऐड हुई है स्मार्ट फिल्टर के नाम से और गाउशन ब्लर के नाम से। सही है, सो आप इसको, एक तो आसानी यह है कि आप इसको मास्क भी कर सकते हैं, मास्क दिया हुआ है कि आप पूरी पिक्चर पे ये नहीं अप्लाई करना चाहते, तो मैं यहाँ से ब्लैक कलर का ब्रश लेता हूँ और मैंने इतनी जगह से इस ब्लर को हटा दिया, लेकिन ये काम मैं उस रेस्टर वाली लेयर पे नहीं कर सकता। दूसरा फ़ायदा ये होता है इफ़ेक्ट इस तरह से लगाने का कि आप, कोई मुझे कहता है कि इसका ब्लर बहुत ज़्यादा हो गया रेस्टर वाली लेयर का, कम कर दो, मैं नहीं कम कर सकता। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके वापस से गाउशन ब्लर पे जाऊंगा भी तो वो मुझे और बढ़ा के या कम करके भी अगर देगा तो वो कुछ ऐसा ही व्यू मुझे दे रहा होगा। यहाँ से मैं जाता हूँ और मैं दोबारा से गाउशन ब्लर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए, मैं अगर ज़ीरो भी करता हूँ तो भी वो कम नहीं हो रहा, वो उस जो जितना पहले लगा हुआ था उसमें चेंज करके आपको दे रहा है, उसमें मतलब थोड़ा सा और अप्लाई करके दे रहा है। लेकिन अगर आपने स्मार्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू लगाया हुआ है तो आपके पास यहाँ स्मार्ट ब्लर का गाउशन ब्लर का ऑप्शन मौजूद है, इस पर आप सिंपली डबल क्लिक करें, वैल्यूज़ आपके पास वापस आ जाएंगी जैसे आप जहाँ आपने छोड़ी थी। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, सो देखें ये गाउशन ब्लर वापस आ गया और अब कोई कहता है कि कम कर दो तो मैं यहाँ से ईजिली जाके कम कर सकता हूँ और मैंने ओके कर दिया, सिंपल। आप चाहते हैं ये इफेक्ट इस पर से हट जाए, देन आप स्मार्ट फिल्टर को उठाएँ और ड्रॉप कर दें ट्रैश बिन में। सो इस तरह से ये आपका चौथा फ़ायदा होता है कि आप इफ़ेक्ट्स को ईजिली बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स पे। पांचवा फ़ायदा आपको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में यहाँ पर मिलता है मर्जिंग के लिहाज से। सो मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं यहाँ पर सपोज कोई सर्किल क्रिएट कर लेता हूँ, मैंने इसके फेस पे सर्किल क्रिएट किया, एक मैं यहाँ से एक न्यू लेयर सेलेक्ट करता हूँ और मैंने इसके फेस पे जाके इस कलर से मैंने इसको फिल कर दिया ऑल्टर बैक स्पेस प्रेस करके। ठीक है, सेम यही लेयर मैं ऑल्ट प्रेस करता हूँ और इसके फेस पे भी यही लेयर लगा दूँ। अब मैं यहाँ पर देखें दो काम करता हूँ, इस लेयर को सेलेक्ट किया इस लेयर के साथ, ये मैं चाहता हूँ ये दोनों एक ही लेयर पे आ जाए, तो मैंने दोनों लेयर्स को सेलेक्ट किया और किसी भी एक लेयर पे जाके राइट क्लिक करके मैं यहाँ से करता हूँ मर्ज लेयर्स। ठीक है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट आप मर्जिंग करने के लिए भी यूज़ करते, तो मैंने इनको इस वाले को कर दिया है मर्ज और इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं बना देता हूँ राइट क्लिक एंड कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। तो अब देखें ये भी एक लेयर पे आ गया और ये भी एक लेयर पे आ गया। सो अब देखें दोनों में फ़र्क क्या है, अगर मैं इसको अनमर्ज करना चाहता हूँ या मैं चाहता हूँ इस सर्कल को थोड़ा मूव कर दूँ या नीचे कर दूँ या साइड में कर दूँ तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे, ये भी एक लेयर पे आ गया लेकिन मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। सो स्मार्ट ऑब्जेक्ट को एडिट करने का तरीका क्या होता है, आप सिंपली उस लेयर को सिलेक्ट करें और दो तरह से आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट को एडिट कर सकते हैं, या तो उसके नाम पे जो भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट है उसके नाम पे राइट क्लिक करें और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है एडिट कंटेंट्स का। जैसे ही आप एडिट कंटेंट्स करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक एरर आता है, एरर नहीं मतलब एक इन्फॉर्मेशन होगी, वो मैंने शायद डोंट शो अगेन किया हुआ इसलिए वो बंद हो गए हैं, तो उसमें आपको फोटोशॉप बताता है कि आप जो है वो इस जगह पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट को एडिट नहीं कर सकते, एक नया कैनवास ओपन होगा और उसके ऊपर जाके आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट को एडिट कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम आ गए एक नए कैनवास पे, जो भी काम कर रहे हैं वो इस कैनवास पे हो रहा है और जो भी काम हम इस लेयर को मैं अलग कैनवास पे एडिट कर रहा हूँ तो वो यहाँ पर आ गए। ठीक है, अब देखिए मैं जैसे ही इसका कलर चेंज करता हूँ, सपोज मैं यहाँ से गया और मैंने इसके ऊपर कलर ओवरले अप्लाई करवा दिया एंड मैं यहाँ से पिंक कलर मैंने ये वाला अप्लाई करवा दिया। अब मैं जैसे ही यहाँ पर सेव करता हूँ, फाइल में गया और सेव किया मैंने इसको, तो यहाँ पर जिस कैनवास पे रखा हुआ है जो इसका ओरिजिनल कैनवास है, ये मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे काम कर रहा हूँ लेकिन इसका ओरिजिनल कैनवास जहाँ पे इसको शो होना है वो ये वाला है, तो मैंने वहाँ पर जैसे ही सेव किया देखें यहाँ पर चेंज हो गया। सही, मैं इसको आपको बराबर बराबर में रख के दिखाता हूँ, मैं विंडो में जाता हूँ, अरेंज करता हूँ और मैंने यहाँ से कर दिया टू अप हॉरिजॉन्टल, यानी एक लेयर ऊपर आ जाएगी और एक नीचे आ जाएगी। सही, मैं इस वाले पिक्चर को अलग कैनवस पे यानी स्मार्ट ऑब्जेक्ट की फॉर्म में एडिट कर रहा हूँ, तो मैं इसको जाता हूँ, मैं जैसे ही इस लेयर को बंद करता हूँ, हाइड हो गई, मैं जैसे ही सेव करूँगा तो देखें आपका ये जो इसका ओरिजिनल कैनवास है वहाँ पर भी साथ साथ ये चेंज हो जाएगी। मैं यहाँ पर इसको ओपन करता हूँ, कलर ओवरले पे डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ से जाके मैं इसको येलो कलर फिल कर लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। सही, अभी वहाँ नहीं आया क्योंकि मैंने सेव नहीं किया, सो मैं फाइल में जाऊँगा एंड देन अगेन सेव करूँगा तो वहाँ पर जो आपका ओरिजिनल कैनवास है वहाँ पर चला जाता है। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट आपके काम में बहुत आसानी पैदा कर देता है, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं मैंने वो आपको बताए। एक फ़ायदा और होता है
जो हम आगे फोटोशॉप में पढ़ेंगे, लेकिन वो मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। देखें हम आगे एनिमेशंस पढ़ेंगे फोटोशॉप में, तो एनिमेशन में भी ये दोनों अलग अलग अप्लाई होके आपको फ़ायदा देते हैं। मैं विंडो में जाता हूँ और मैं यहाँ से टाइमलाइन पैनल ओपन कर लेता हूँ जो कि हमारी वीडियोज़ के लिए यूज़ होता है। ठीक है, सो मैं यहाँ से क्रिएट फ्रेम एनिमेशन हुआ और मैं इस एरो पे क्लिक करता हूँ। मैंने यहाँ से कर दिया क्रिएट वीडियो टाइमलाइन। अब मैं जैसे ही क्रिएट वीडियो टाइमलाइन के बटन पे क्लिक करता हूँ, सो देखें एनिमेशन में मैं फ़र्क मिलता है की फ्रेम में। की फ्रेम्स क्या होते हैं वो हम इंशाल्लाह आगे की क्लासेस में देखेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखें ये लेयर वन है, इसका नाम मैं कर देता हूँ रेस्टर, और ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है तो मैं इसका नाम कर देता हूँ स्मार्ट। सो स्मार्ट वाले के की फ्रेम्स अगर आप देखें, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, प्रोमिनेंट करके आपको मैं दिखा देता हूँ। देखें रेस्टर वाले में आपको की फ्रेम्स मिल रहे हैं पोजीशन के, ओपेसिटी और स्टाइल। पोजीशन का मतलब है सिर्फ जगह चेंज करना, सही है। अगर मैं इसको एनिमेशन क्या होती है कि कोई चीज़ मूव हो रही है, तो अब मूव होते हुए अगर आपके पास रेस्टर वाली लेयर है तो मूव होते हुए सिर्फ वो अपनी जगह चेंज कर सकती है, क्योंकि इसके पास की फ्रेम्स हैं सिर्फ पोजीशन के। लेकिन अगर मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाली ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आपको मिलता है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में सिर्फ पोजीशन नहीं होती, पोजीशन भी होती है, मतलब आप जगह भी चेंज कर सकते हैं, साइजेस भी चेंज कर सकते हैं और रोटेशन भी चेंज कर सकते हैं। तो ये तीनों काम आप जो है वो ट्रांसफॉर्म की फॉर्म में करवा सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी फ़ायदा है आपका कि आप जो है वो उसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आपको ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन मिलेगा, और ट्रांसफॉर्म जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो ये होता है स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी स्मार्ट ऑब्जेक्ट से मोकअप्स बनाना सिखाऊंगा कि मोकअप्स किस तरह से बनते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। सो ये थी आज की क्लास, होप आपको पसंद आई होगी। आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन हो या आप कुछ मुझे सजेशन देना चाहते हैं कि मैं कौन से टॉपिक्स पे या कौन से सॉफ्टवेयर्स पे ट्यूटोरियल्स बनाऊँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आप क्या चीज़ सीखना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।